नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी में लगी हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही जनता का वोट पाने। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा हज कमेटी के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब साहब, जिनसे हम जानेंगे कि अब की बार कौन बाजी मारेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएमएन न्यूज पर। चौधरी साहब, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा का आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे आप? चौधरी साहब, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मेवात से आप भी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, क्या पार्टी आपको टिकट देगी, इस पर क्या कहें? अपने संगठन पर, अपने मुख्यमंत्री पर जी मैं पूरा भरोसा करता हूँ। अगर पार्टी ने मुझे इस बार टिकट दिया तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और हम 100% के 100% वहाँ से जीतेंगे। पहले जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से दूर भागते थे, आज उनको पता है कि जनता आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के उम्मीदवारों को ही वोट डालेंगे। इसलिए वहाँ के तमाम मुस्लिम नेता भी, सारे विधायक सब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। चौधरी साहब, रोहतक में जन आशीर्वाद यात्रा की धन्यवाद रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, क्या हरियाणा के लिए कोई नई घोषणा भी करेंगे प्रधानमंत्री, इस पर क्या कहेंगे? आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, हमारे जैसे ही प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँचेंगे, उन्होंने हरियाणा के लिए देने के लिए कोई कसर पहले भी नहीं छोड़ी, तो कोई न कोई नई सौगात वो देते ही रहते हैं। आगे भी कुछ न कुछ तो हरियाणा के लिए देंगे। कि मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जितना लगाव गुजरात से है, उससे कहीं बढ़ चढ़ कर लगाव उनको हरियाणा से भी है। चौधरी साहब, हरियाणा में मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, रिपीट, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो मुस्लिम जो वर्ग जो जुड़ रहा है, वो केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली के ऊपर और हमारे हरियाणा के अंदर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की कार्यशैली से सभी वर्ग के लोग और ख़ास तौर से मुस्लिम भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।